अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर कुकिंग एंड ब्यूटी। सो व्यूअर्स, आई होप सो यू आर ऑल वेल। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक का फर्स्ट फ्राइडे जो है वो बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको इस मुबारक दिन के सदके बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। बस आज मैं आप लोग के लिए स्पेशली इफ्तार रेसिपी जो है वो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ्रेंच फ्राइज़ घर पर कैसे इतनी क्रिस्पी कैसे बनाए जाते हैं आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी। तो लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं कि उनकी फ्राइज़ जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते, तो आज मैं आप लोगों के साथ सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 kg जो है मैंने पोटैटो लिए हैं। तो अब पिलर की हेल्प से हम इनका छिलका जो है वो उतार लेंगे। व्यूअर्स, मैंने सारे पोटैटोज़ का छिलका जो है वो अच्छे से उतार लिया। मैं इन्हें जो है वो फ्राइज़ मशीन में अच्छे से जो इनकी कटिंग कर लूँगी। इसमें कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो इक्वल शेप में कटिंग होते हैं। यहाँ पर मैंने सारे पोटैटोज़ को जूलियन शेप में जो है वो कट कर लिया। आप चाहें तो इसे नाइफ़ की हेल्प से भी इजीली कट कर सकते हैं। बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सारे पोटैटोज़ को जो है वो अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम यहाँ पर इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। बस वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में पानी लिया है और अब मैं इन्हें यहाँ पर अच्छे से जो है वो वॉश कर लूँगी। बस वॉश करने के बाद एक स्पेशली टिप जो है वो आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें जो है वो अच्छे से ड्राई कर लिया। आप किसी भी रुमाल की मदद से या फिर टिशू पेपर की हेल्प से इन्हें जो है वो अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर शर्त यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो उन्हें फ्राइज़ को जो है अच्छे से आप पहले वॉश करके ड्राई कर लें। उनमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा से भी नमी रह गई तो फ्राइज़ हमारे क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। पर कुछ मसाले ज़्यादा ऐड करूँगी तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 spoon जो है वो इसमें नमक ऐड किया। उसी के साथ 1 spoon यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ 1/2 tablespoon यहाँ पर मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया और उसी के साथ 1/4 tablespoon यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ली है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 spoon जो है वो ज़ीरा लिया है। ज़ीरा हमारे फ्राइज़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसके साथ नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास 1 cup जो है वो बेसन है। तो बेसन यहाँ पर हम अपनी एज ए च्वाइस ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इन सारे मसालेजात को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ भी बस मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़े से स्पाइसी फ्राइज़ जो हैं वो तैयार किए हैं। तो आप अपने एज अ टेस्ट जितने भी मसाले जात हैं उन्हें उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस यूँ ही हम थोड़ा थोड़ा बेसन करके इसमें ऐड करते जाएंगे और सारे फ्राइज़ को अच्छे से जो है वो बेसन अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 1/2 cup जो है वो पानी है। तो पानी यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए। बेसन हमारा फ्राइज़ पर जो है वो अप्लाई होना चाहिए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ्राइज़ बिल्कुल जो है वो फ्राई होने के लिए रेडी हैं। व्यूअर्स, अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है और उसमें मैं यहाँ पर हमेशा की तरह अपना कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर दूँगी। तो कश्मीर कुकिंग ऑयल हमारे खाने को बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर फ्लेम यहाँ पर हमारा बिल्कुल जो है वो मीडियम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मैं एक एक करके इसमें फ्राइज़ जो है वो ऐड करती जाऊँगी। तो यहाँ पर अब हम इन्हें अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्राइज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सेपरेट बने तो आपस में जुड़े नहीं, तो आप एक एक करके इसमें फ्राइज़ जो है वो ऐड करेंगे। और व्यूअर्स, इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि अपनी जगह जो है वो बरकरार रख सके। और 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है वो फोक की हेल्प से एक एक करके हम इन्हें इनकी जो साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर आप इनका क्रिस्पीपन जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो इसको जो है वो खुद ही रिमूव नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगेन मैं सेम प्रोसेस के साथ सारे फ्राइज़ को फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स, यहाँ पर 5 to 7 minutes ये फ्राई होने में लेंगे। तो फाइनल लुक को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे फ्राइज़ कितने ही खूबसूरत और कितने ही क्रिस्पी जो है वो देखने में लग रहे हैं। और माशाल्लाह इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, आप भी जल्दी से इफ्तार रेसिपी के लिए इन्हें ट्राई करें और इन्जॉय करें, बिकॉज़ हर कोई फ्राइज़ को जो है बहुत शौक से खाता है। आई नो व्यूअर्स के रोज़े की हालत में ऐसे फ्राइज़ देखकर सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। सो डोंट वरी, आप भी इसे इजीली घर पर ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। साथ व्यूवर्स कमेंट्स जो हैं वो लाजमी किया करें, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं भी लगती तो मुझे कमेंट लाजमी किया करें, मुझे बताया करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आ सकूँ। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल गाइस, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, अपनी दुआ में मुझे भी हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।